विधानसभा के नियमों के अनुसार कालका विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। ये बात चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि नालागढ़ कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, जिसमें कालका के विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। प्रदीप चौधरी के साथ 14 लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसके चलते कालका विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जैसे ही कोई विधायक को सजा होती है, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। बताते चले कि स्पीकर ने कहा कि 3 साल की सजा के चलते आज से कालका विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सीट 14 जनवरी 2021 से खाली हुई है। फिलहाल प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। जिसमें हमारे कालका विधानसभा के जो माननीय विधानसभा सदस्य थे श्री प्रदीप चौधरी जी, उनको 3 साल के लिए कन्विक्ट किया है और उनके साथ 13 और लोग थे। उसकी जो प्रति है वो ADA सोलन के द्वारा, जो अपने नालागढ़ के द्वारा उनको भेजी गई है, मुझे आई थी, तो उसके मुताबिक जो जजमेंट आई है वो जजमेंट की कॉपी भी आ गई है और उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या MP कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज सभी कंसर्न जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन है या बाकी के जो हरियाणा इलेक्शन कमीशन है या जहां भी इसकी जरूरत है, वो आज हम भेज रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.